चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी ने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है और ये नोटिस जारी होने के 3 या 4 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल भी जारी हो जाता है। एनएमसी द्वारा एमसीसी की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की दोनों की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाता है, तो हम ये आशा कर रहे हैं कि 10 जुलाई 23 तक ये शेड्यूल जारी हो जाएगा और काउंसलिंग जो स्टार्ट होने की डेट है वो 13 जुलाई 23 तक काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है एमसीसी की, और स्टेट की जो च्वाइस फिलिंग वगैरह है वो उसके बाद में होगी। स्टेट के जो रजिस्ट्रेशन है किसी किसी स्टेट के स्टार्ट हो चुके हैं और किसी किसी स्टेट के रजिस्ट्रेशन एमसीसी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद में होते हैं, लेकिन च्वाइस फिलिंग और रिजल्ट एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में ही होगा। यानी कि जब रिजल्ट आने की कंडीशन होगी उसी समय किसी स्टेट में पहले चॉइस फिलिंग हो जाती है और किसी स्टेट में रिजल्ट आने के बाद में चॉइस फिल होती है। शेड्यूल ये रहता है कि पहले एमसीसी का फर्स्ट राउंड होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, एमसीसी का सेकंड राउंड होगा, स्टेट का सेकंड राउंड होगा, एमसीसी का मॉपअप राउंड होगा और स्टेट का मॉपअप राउंड होगा, और इसके बाद में स्टे वैकेंसी राउंड पहले एमसीसी का हो जाएगा और फिर स्टेट का हो जाएगा। तो इस प्रकार से शेड्यूल रहता है एमसीसी का। तो एक बार हम देखें इसकी क्या डेट हो सकती है। तो एमसीसी एनएमसी द्वारा जो शेड्यूल जारी किया जाता है एमसीसी और स्टेट दोनों का, ये शेड्यूल जारी हो सकता है 10 जुलाई 23 से पहले पहले, 10 जुलाई 23 से पहले पहले ये शेड्यूल जारी हो जाएगा और ये शेड्यूल जारी होने के 2 या 3 दिन के बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हम काउंसलिंग स्टार्ट की जो डेट है वो मान सकते हैं कि 13 जुलाई 23 से ये काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि पहले हमने प्रीवियस ईयर में देखा है कि जिस प्रकार से ये नोटिस दिया जाता है रिजल्ट कलेक्शन का उसके 10 डेज के अंडर अंडर शेड्यूल आ जाता है और उसके 2 या 3 दिन बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही ये रिजल्ट कलेक्शन की डेट आई थी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था और हम आशा कर रहे हैं कि 10 जुलाई से पहले पहले एमसीसी और स्टेट का शेड्यूल जारी हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नोटिस की। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नोटिस दिया गया है उसमें 16 सेंटर दिए गए हैं। उन 16 सेंटर पर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन बनवाना है। ऑनलाइन फीड होने के बाद एमसीसी के पास डाटा पहुंच जाता है कि किन किन कैंडिडेट ने पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और वो ऑटोमेटिक एमसीसी की वेबसाइट पर अपडेट होने के बाद में इलिजिबल हो जाते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। एसआई ईएसआईसी के लिए ईएसआईसी की लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग ही ईएसआईसी के कैंडिडेट हैं उनको ईएसआईसी की कॉलेज च्वाइस फिलिंग के दौरान देखने को मिलेगी वहां पर। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि एमसीसी का कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार से च्वाइस फिलिंग करनी है। एक बार ये सेंटर देख लेते हैं जो 16 सेंटर हैं जहां से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं विकलांग कैंडिडेट हैं उनको सर्टिफिकेट बनवाना है कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। तो ये सेंटर्स हैं, 16 सेंटर्स हैं। पिछले साल भी यही 16 सेंटर्स थे, अब की बार भी यही 16 सेंटर्स हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये जानकारी थी एमसीसी के शेड्यूल के बारे में, स्टेट के शेड्यूल के बारे में और पीडब्ल्यूडी नोटिस के बारे में। आप अगर हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वैसे तो हमने सर्विसेज क्लोज कर दी हैं, लेकिन जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं जो उनको हम निराश नहीं करेंगे, उनको हम पेड सर्विस दे सकते हैं। अभी भी हमने इसके लिए बुक लिखी है और वो बुक में मेन बात यह है कि उसमें च्वाइस लिस्ट 2023 के लिए दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप च्वाइस फिल कर सकते हैं और इसमें बॉन्ड वगैरह की डिटेल्स दी गई है। ये बुक ऑल इंडिया कोटा स्टेट आयुष वेटनरी सभी के लिए अवेलेबल है। इसको आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें ओपन स्टेट के बारे में जानकारी दी गई है, हर एक स्टेट के बारे में जानकारी दी गई है, आयुष और वेटनरी के लिए भी ये बुक अवेलेबल है। इसमें कट ऑफ दी गई है प्रीवियस 4 ईयर्स की, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कहाँ कॉलेज मिल सकती है। तो नई अपडेट के साथ, काउंसलिंग अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।